नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक मेन लाइन IPO कार्डा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस दोनों नासिक महाराष्ट्र में हैं और इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। कंपनी का IPO 16 मार्च 2018 को खुलेगा और 21 मार्च 2018 को बंद होगा। ये जो इशू है वो 100% बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी ने इसकी प्राइस रेंज 175 से 180 रुपये प्रति शेयर रखी है। मिनिमम हम 80 शेयर में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 1040 शेयर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए हम कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 14400 की होगी और मैक्सिमम 1,87,200 रुपये। लिस्टिंग इसकी NSE और BSE पर होगी। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा लगभग 26 मार्च को। 27 मार्च को SBA के रिफंड्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे और 28 मार्च को डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट हुई है। और लिस्टिंग इसकी 2 अप्रैल 2018 को नए फाइनेंशियल ईयर में होगी। जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा 26 मार्च को, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपकी अलॉटमेंट आई है या नहीं आई है। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 23 लाख शेयर का, जिसमें कंपनी जुटाएगी 41 करोड़ 40 लाख रुपए। इसी तरह ऑफर फॉर सेल ला रही है कंपनी 20 लाख शेयर का, जो कि इसके प्रमोटर मिस्टर नरेश कार्डा हैं, वो 36 करोड़ रुपए ले जाएंगे। QIB पोर्शन इसमें 10% का होगा, जिसमें कि म्यूचुअल फंड 5% हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन 40% का होगा और रिटेल पोर्शन 50% का होगा। जो पूरा इशू अमाउंट होगा वो लगभग 76 करोड़ 40 लाख रुपए होगा। बड़ा छोटा अमाउंट है ये। मिस्टर नरेश कार्डा इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और उनके पास 76 लाख शेयर हैं, जो कि 76% बनता है अब तक की पेड अप इक्विटी कैपिटल का। ऑफर फॉर सेल 20 लाख शेयर का है, यानी कि अपनी होल्डिंग में से ये 26.31 शेयर जो है परसेंट शेयर वो बेच रहे हैं और इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल 5 रुपये है। 17 सितंबर 2007 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम था कार्डा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। 17 मार्च 2016 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका नाम बदलकर कार्डा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का जो रियल डेवलपमेंट कंपनी है, जो डेवलप और सेल करती है अपने रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल कम ऑफिस प्रोजेक्ट्स नासिक के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है। कंपनी अब तक लगभग 15 जो इनके प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 15 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और ऑफिस स्पेस, जिनमें शामिल है हरी स्मृति, हरी आमंत्रण, हरी सृष्टि, हरी कुंज, हरी निवास, हरी निकेतन, हरी संकल्प वगैरह। इस समय कंपनी के पास 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और 3 प्लांट प्रोजेक्ट हैं। कार्डा ग्रुप जो है वो वेस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है नासिक का, जबकि ये 20 साल से पिछले काम कर रहा है। इस ग्रुप को 1994 में करा था स्थापित मिस्टर नरेश कार्डा ने, और ग्रुप जो है अब 2001 से रेजिडेंशियल सेगमेंट के अलावा कमर्शियल सेगमेंट में भी आ गया है। इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं। कंपनी का पहले 100 रुपये का शेयर था। इन्होंने 100 रुपये का शेयर एट पार इशू करे, 1000 शेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए। 2009 से 2014 तक 3 बार कंपनी ने 100 रुपये का शेयर एट पार पर इशू करे कैश में। उसके बाद में 29 फरवरी 2016 को कंपनी ने 100 रुपये का शेयर सब डिवाइड कर दिया 10 रुपये में। 11 जुलाई 2016 को कंपनी ने एक बोनस इशू दिया 5 शेयर के बदले 4 शेयर, और इसी तरह से 24 जुलाई 2017 को कंपनी ने एक और बोनस इशू दिया 9 शेयर के बदले 1 शेयर। इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स है इशू के, ऑफर फॉर सेल में आप सब जानते हैं कंपनी को कुछ नहीं मिलता। फ्रेश इशू में कंपनी को जो ऑब्जेक्ट हैं वो पार्ट पेमेंट उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की करनी है, पार्ट पेमेंट करनी है इनको टर्म लोन की, जनरल कॉरपोरेट पर्पज और इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ध्यान देते हैं।
देखिए 2012-13 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी वो लगभग 162 करोड़ रुपए थी, जो इस समय 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में 2248 करोड़ रुपए हो गई। टोटल रेवेन्यू जो है वो कंपनी का लगभग 243 करोड़ रुपए था 2012-13 में और 110 करोड़ हो गया 2016-17 में। इसी तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केवल 2,70,00,000 रुपए था 2012-13 में और 8,03,00,000 हो गया है 2016-17 में। अकाउंटिंग रेशोस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं पीयर ग्रुप के साथ में तो कंपनी ने तीन नाम दिए हैं, कोलते पाटिल डेवलपर्स, प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड और अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये तीनों ही कंपनियां जो पी रेशो पे ट्रेड कर रही हैं वो 43, 26, 28 पर काम कर रही हैं, जबकि कार्डा कंस्ट्रक्शन 22.41 इनका बैठता है 180 के भाव से 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक। 31 मार्च 2015 को इनकी अर्निंग पर शेयर 3.08 रुपये थी, 31 मार्च 16 को 6.37 रुपये और 31 मार्च 17 को 8.03 रुपये और 5.52 रुपये इनकी रही थी 30 सितंबर 2017 को, लेकिन ये एनुअलाइज नहीं है, ये 6 महीने की है। इसी तरह से ROW जो है वो 31 मार्च 2017 को 26.46% था और 30 सितंबर को 15.39%। NAV की तरफ ध्यान दें तो 33.72 रुपये था इनका 2017 में और 30 सितंबर 17 को 35.87 रुपये। अब हम इंडस्ट्री पी के तरफ ध्यान देते हैं। देखिए हाईएस्ट जो पी है वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है सृष्टि इंफ्रा लिमिटेड की, जो कि 205 है। लोएस्ट जो है वो IL FS की है, जो कि सिर्फ 6.80 है। इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 40 है, जबकि कार्डा का जो आस्किंग पी रेशो है वो लगभग 20 है। तो आखिर में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अप्लाई करूं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि मैं इस शेयर को अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम SME IPO की वीडियोज़ बना रहे हैं वो केवल सबसे पहले हम पैट्रियन पे दिखाते हैं, जो कि एक पेड चैनल है। हमने अपनी SME की जो कवरेज है पूरे मार्च की वो केवल $2 में हम दे रहे हैं 31 मार्च 2018 तक। जो भी नए इशू आएंगे उन सब की डिटेल आपको मिल सकती है, तो केवल 130 रुपये में आप सारे SME IPOs का लाभ उठा सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करके या बचकर। डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।